पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस कौन होगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम भिजवा दिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम भेज दिए हैं। बजरिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से नाम मांगे गए थे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। पहले मरहले में कमेटी चेयरमैन का इंतखाब होगा। दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए 3 नामों पर गौर होगा। नून लीग के आजम नजीर तारर, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक कमेटी में शामिल। राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नायक, नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर को कमेटी में शामिल किया गया। सेनेटर कामरान मुर्तजा और रुकनी असेंबली राना अंसार कमेटी का हिस्सा हैं। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए 1 नाम वजीर आजम को तजवीज करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ नए चीफ जस्टिस की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल करेंगे। सदर के दस्तखत के बाद नए चीफ जस्टिस का कानूनी अमल मुकम्मल होगा। हमारा जो एक फाइनल एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे उसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हर जगह से लोग निकलेंगे और हर जगह से जहां भी उनको रुकावट आती है और वो आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी वजह से, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए होता है। और ये मुकम्मल एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी अभी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक अभी हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान को आईनी तरामीम के खिलाफ ब्लॉक कर देंगे। एहतजाज के दौरान 36 घंटे भूखे प्यासे लड़ना कोई मजाक नहीं है। एहतजाज को जहां रोका गया पीटीआई वहां ही एहतजाज कर देगी। हुकूमत 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्बत साबित होगी। आईनी तरमीम से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा तरमीम के हक में वोट देने वालों का मशकूर हूँ। तमाम सियासी रहनुमाओं से आईनी तरमीम के लिए बेपनाह मुशावरत हुई। 26वीं आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत के वीजन की तकमील और सच्चाई की गवाही है। मईशत बेहतर, महंगाई की शरह कम होकर 6.9% पर आ चुकी है। शरह सूद में कमी हुई, मजीद कमी का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फायसी साह रिटायरमेंट से कबल चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायसी साह चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 25 अक्टूबर जुमे के रोज रिटायर हो जाना है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरे अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। बीएनपी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंचो मुस्ताफी। सेनेटर कासिम रोंचो ने सेक्रेटरी सेनेट का इस्तीफा जमा करा दिया। बीएनपी मेंगल के कासिम रोंचो और नसीमा एहसान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। पीटीआई का एक और यूटर्न, पहले पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम दिए, अब कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ का नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत ना करने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास के बाद सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम का सोशल मीडिया पर बयान। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। अदालत से 26वीं आईनी तरमीम कलदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया कि पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावीज करने का इख्तियार नहीं। 26वीं आईनी तरमीम आईन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात में तकसीम की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार नहीं हैं। पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे का कयास अदलिया से हुआ था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा ये तासुर गलत है, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन और लबनान में भी हिजरी इमदाद से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ की लबनान और ग़ज़ा में इमदादी सामान के दो जहाज भिजवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के जरिए इमदादी सामान रवाना किया जाए। अपनी छत अपना घर की वादे की तकमील। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर कोट लखपत में प्लॉट स्कीम का जायजा। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेर तामीर घर को देखा। वज़ीर आला मरीम नवाज से मिलकर खातून खुशी से निहाल आप दीदा हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज से कहा बेटियों को पढ़ाएं, तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। अपनी छत अपना घर के तहत दूसरी किस्त का इजरा शुरू। प्रोग्राम के तहत कर्ज मिलने पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब असलम बुखारी ने कहा घरों की तामीर के लिए लोगों को 15 लाख रुपए तक कर्ज मिल रहा है। पंजाब में महंगाई दीगर सूबों के मुकाबले में कम है। शर्जील मेमन का कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। हुकूमत सिंध ने बसें खरीदने की तैयारियां शुरू कर दी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। मास ट्रांसिट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। मुजवजा तरमीमी बिल के तहत काबीना रुकन को सरकारी घर की ताज़ीन और आराइश के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किराए के घर या जाती रिहाइश का इस्तेमाल करने पर भी महाना 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 ज्यादा से ज्यादा 475 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। मैं हूं मरियम खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में हम खबर शामिल करते हैं। नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भेज दिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए नाम कमेटी को इरसाल किए हैं। नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे, जबकि जस्टिस याह्या अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से तीनों जजेस का प्रोफाइल भी खसूसी पार्लिमानी कमेटी को भेजा गया है। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। खसूसी पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान, पीपल्स पार्टी के 3, सुन्नी इत्तेहाद के भी 3 अरकान शामिल है। JUI और MQM एक एक रुकन कमेटी का हिस्सा है। नून लीग की तरफ से वजीर कानून आजम नजीर तारर, ख्वाजा आसिफ, फैसल इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक कमेटी में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नायक और सैयद नवीद कमर करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर को कमेटी में शामिल किया गया है। JUIFA के सैनिटर कामरान मुर्तजा, जबकि MQM से खातून रुकन असेंबली राना अंसार कमेटी का हिस्सा है। पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस के लिए एक नाम वजीर आजम को तजवीज करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ नए चीफ जस्टिस की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल करेंगे। सदर के दस्तखत के बाद नए चीफ जस्टिस की तकरीर का कानूनी अमल मुकम्मल होगा। सईद बलोच इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सईद बलोच बताएगा कानूनी अमल के हवाले से। देखें, नई आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है जो 12 अराकीन सेनेट और कौमी असम्बली पर मुश्तमिल है, और ये 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री करेगी। इसी हवाले से कमेटी का आज 4 बजे इजलास तलब किया गया था, जबकि इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 3 नाम मांगे गए थे जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज साहबान हैं उनके। और जरा ये बताते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानेब से ये 3 नाम स्पेशल कमेटी को भिजवा दिए गए हैं। जिन 3 जजेस के नाम भिजवाए गए उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या खान अफरीदी के नाम शामिल हैं, जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के बाद 3 सीनियर तरीन जजेस बनते हैं। कमेटी 2/3 अक्सरियत से इन 3 में से किसी एक जज के नाम का फैसला करेगी, और फिर उसके बाद ये नाम वजीर आजम को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद वजीर आजम अपनी एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे, और सदर मुमलिकत की जानब से हतमी मंजूरी के बाद वजारत कानून बाकायदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा गैर आईनी तरामीम आजाद अदलिया पर हमला है, उनको नहीं मानते, मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे, हुकूमत से जान छुड़वाने तक एहतजाज जारी रहेगा, गद्दारी करने वालों को पार्टी से निकालेंगे। एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे, उसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हर जगह से लोग निकलेंगे और हर जगह से जहां भी उनको रुकावट आती है और वो आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी वजह से, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए होता है। और ये मुकम्मल एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा, खान साहब से मेरी अभी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक अभी हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत मुस्बत साबित होगी। आम आदमी के मुकदमात कई सालों से ज़ेरे इल्तवा हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। नई आईनी तरमीम से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि दो तिहाई अक्सरियत से तरमीम की मंजूरी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तरमीम के हक में वोट देने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। महंगाई की शरह कम होकर 6.9% पर आ चुकी है, शरह सूद में कमी हुई है और मजीद कमी का भी इम्कान है। मुल्की मईशत बतदरीज बेहतर हो रही है। एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सबके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको इस हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये यकीनन इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेकाम और पाकिस्तान के आवाम की तरक्की खुशहाली और सियासी इस्तेकाम के लिए